सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम मोबाइल रिपेयरिंग सोल्यूशन। में फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग J210F, और इसमें FRP लगा हुआ है। और ये फ़ोन कहीं और है, मतलब उसके पीछे में हमें टीम व्यूअर के थ्रू काम करना है। तो हम ओडिन की मदद से इस फ़ोन के FRP को रिमूव करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए एंड तक। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना जो फ्रेंड का पीसी है उसको अपना पीसी के साथ टीम व्यूअर के थ्रू कनेक्ट करवा लेता हूँ, उसके बाद वर्क स्टार्ट करेंगे। तो मेरे दोस्त ने व्हाट्सअप के थ्रू उसका टीम व्यूअर का जो आईडी और पासवर्ड होता है वो मुझे भेज दिया है, तो मैं उसको यहाँ पर डाल के लॉग इन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं हम उसके पीसी में पहुँच गए। तो उसने पहले से ही डिवाइस मैनेजर को ओपन करके रखा था, तो कोई बात नहीं, चलिए ये तो हमें ओपन करना ही था, तो इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ये टीम व्यूअर का पॉपअप है इसे भी हम साइड में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले हमें यह करना है कि अपने पीसी से इसके पीसी में ये दो फाइल कॉपी कर लेना है। इस दो फाइल को मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है गाइस। इसमें से एक है वो J210 का FRP फाइल और दूसरा है इसका USB ड्राइवर। गाइस, अगर आपके पीसी में सैमसंग का USB ड्राइवर पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है तो आप बस सैमसंग के FRP फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। मेरा दोस्त का जो कंप्यूटर है इसमें शायद USB ड्राइवर इंस्टॉल ना किया हुआ हो, इसीलिए मैंने दोनों को इसके कंप्यूटर में कॉपी कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको टीम व्यूअर के बारे में पता नहीं है तो आप लोग अगर टीम व्यूअर के बारे में सीखना चाहते हो तो कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्स में टीम व्यूअर की वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, ये हमारा जो दो फाइल है वो कॉपी हो चुका है, अभी हम इन दोनों को एक्स्ट्रा कर लेंगे। और ये जो फाइल्स है ये हमारा FRP का फाइल है, ये देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो ड्राइवर है इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इससे पहले हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो ये हमारा फोल्डर बन के आ चुका है और इसके अंदर है हमारा सैमसंग का USB ड्राइवर 1.5, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ES पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, इसका जो कंप्यूटर में सैमसंग की USB ड्राइवर है वो पहले से इंस्टॉल है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एंटीवायरस है इसे हम थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एंटीवायरस को नेक्स्ट रिबूट तक ऑफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटीवायरस को ऑफ करने के बाद मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगा कि जो फ़ोन है उसको डाउनलोड मोड पर कनेक्ट करें। गाइस, ये जो फ़ोन है ये सैमसंग का फ़ोन है, इसीलिए अगर इसको डाउनलोड मोड पर हमें कनेक्ट कर दिया तो ये पोर्ट बना के ही रखेगा, ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कॉलकॉम या फिर मीडियाटेक का पोर्ट नहीं है। कॉलकॉम भी रह जाता है पोर्ट में और जो मीडियाटेक है वो पोर्ट बना के छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सैमसंग का फ़ोन है तो इसे हम डाउनलोड मोड पे आसानी से पोर्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने फ्रेंड को कि तुम डाउनलोड मोड पे फ़ोन को कनेक्ट करो। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक वो फ़ोन अपने पीसी के साथ डाउनलोड मोड में कनेक्ट ना कर ले, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत देर वेट करने के बाद मैं अपने दोस्त को कॉल किया और बोला कि तुम फ़ोन कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने तो बोला मैं कर दिया, तो मैंने बोला ठीक है एक पिक भेजो। तो देख सकते हैं यहाँ पर उसने ये पिक भेजा। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये उस फ़ोन का पिक है, तो ये अभी हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड में नहीं गया है, तो हम इसको टाइप करेंगे यहाँ पर कि डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए वॉल्यूम अप दबाओ। तो उससे पहले हम हमारा जो ओडिन जो हमारा प्लस टूल है उसे हम एक्स्ट्रा करके ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ओडिन का टूल है, तो इसे हम एक्स्ट्रा कर लिया और इसे हम डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। और अभी हम हमारा जो फ्रेंड है उसको बोलेंगे कि अभी तुम अपना फ़ोन में वॉल्यूम अप वाला बटन दबाओ, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी सैमसंग का फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए उसका जो होम बटन है और वॉल्यूम अप वाला बटन और पावर बटन तीनों को एक साथ दबाए रखना है, तभी फ़ोन डाउनलोड मोड में जाएगा। तो उससे पहले वार्निंग करके कुछ आएगा और वहाँ पर जाके आप लोगों को वॉल्यूम अप वाला बटन प्रेस करना है, तब जाके सैमसंग का फ़ोन डाउनलोड मोड में जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वॉल्यूम अप वाला बटन प्रेस करो, देन आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में जाएगा और हमारा पीसी के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर दिया है और अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मेरे फ्रेंड ने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर ओडिन में भी एडिट करके लिख के आ चुका है और यहाँ पर पोर्ट भी बना चुका है। तो अभी हमें AP पर क्लिक करना है और हमें उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पे हमने FRP का फाइल रखा है,
तो मैंने तो डेस्कटॉप पे रखा है। तो ये रहा हमारा सैमसंग का FRP फाइल, तो इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद जस्ट आप लोगों को स्टार्ट पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट पे क्लिक कर देना सिंपली। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो यूज़र डाटा का पार्टीशन है वो इरेज होना स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो FRP है वो डन हो चुका है। तो देख सकते हैं कितने आसानी के साथ हमारा FRP रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कैसे 2 सेकेंड के अंदर सैमसंग J210 का FRP रिमूव हो गया, वो भी बिल्कुल फ्री वाले टूल से। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आते रहते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।